हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिया हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेलनेट के बारे में। टेलनेट क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो टेलनेट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो टेलनेट क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ में लिया जाता है रिमोटली डिवाइसिस को एक्सेस करने के लिए। एक तरीके से एक वर्चुअल टर्मिनल आप समझ सकते हैं। टर्मिनल जैसे कि आपने देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट जैसे कि खुलता है, उसी तरीके का एक टर्मिनल हमें इसमें दिखाई देता है जिसके थ्रू हम किसी रिमोटली डिवाइस पर उसके किसी भी डिवाइस को जो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है, इसके पहले अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो टेलनेट है जो 1969 में IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा जो है दिया गया था। इसका जो पूरा नाम है टेलनेट है, जो वो इसका जो पूरा नाम है वो टेली नेटवर्क से लिया गया है। और टेलनेट है जो वो TCP के पोर्ट नंबर 23 पर यह जो काम करता है। अब इसको किस तरीके से डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पर और हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, तब आप और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पर। तो यहाँ हम कोई भी टोपोलॉजी ले लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इससे हमारा टाइम बचे। तो कोई भी एक टोपोलॉजी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इस पर हम जो है टेलनेट जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस जो राउटर है ये वाला, इसका जो IP एड्रेस है वो ये है, इस वाले इंटरफेस का ये है। सीधे आप टोपोलॉजी समझ सकते हैं, ये जो PC है इस पर कनेक्ट हैं, तो ये सारे जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब टेलनेट देखिए बेसिकली होता क्या है टेलनेट में, कि ये जो टेलनेट आप देख रहे हैं, तो ये जैसे कि मान लीजिए ये अभी लोकल एरिया नेटवर्क में है सारा, लेकिन आप ये जो है रिमोटली भी हो सकता है कि ये मान लीजिए ये कहीं पे हम दूर बैठे हैं और यहाँ से हम इस PC को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये लोकल एरिया नेटवर्क में ही दिखाता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप राउटर ओपन करेंगे तो हम इसके CLI मोड में जाएंगे और यहाँ हम इनेबल कमांड देंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल हम जो है इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हमें सिंपली, बहुत सिंपल है, आप इसको दो तीन लाइन की कमांड है जिसको याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पर टाइप करना है लाइन VTY और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 0 to 15। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 15 का आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ से मतलब 0 से 15, इसका मतलब है कि 16 कंप्यूटर हैं जो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, 16 यूजर। तो आप यहाँ जितनी मर्जी दे सकते हैं, अगर हम 0 से 4 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 5 यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट है, तो इसलिए ये टोटल कितने होते हैं कि 7 यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कितने भी दे सकते हैं, यहाँ मान लीजिए हम 2 दे देते हैं और इसके बाद एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड, हमें इस पर पासवर्ड सेट करना होगा। अब पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि सिस्को और एंटर कर देता हूँ। अभी ये किस चीज़ का पासवर्ड है, लॉगिन का, तो यहाँ पे आपको एक कमांड और देनी है, लॉगिन और एंटर कर दीजिए। तो अब ये जो हमारा जो टेलनेट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है इस राउटर पर। अब इसके बाद में देखिए हमें जो इस पे राउटर पे जो सीक्रेट पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा राउटर के जो प्रिविलेज मोड में हम जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप कमांड दे सकते हैं इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड, यहाँ पे हम कुछ भी जैसे कि सिस्को ही दे देता हूँ मैं ताकि भोले नाम, और एंटर कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा जो टेलनेट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हम चलते हैं अब PC पर और इसके जो है डेस्कटॉप मोड में कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए इस वाले राउटर पर आप देख सकते हैं कि हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है। तो इसके दो इंटरफेस है, एक तो ये 10.0.0.1 और एक ये 192.168.1.100। तो आप इन दोनों में से किसी भी इंटरफेस का IP दे सकते हैं टेलनेट करने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी जो विंडो ओपन की थी ये, तो यहाँ पे हमें टाइप करना है टेलनेट और इसके बाद आप इसकी IP दे सकते हैं राउटर की 192.168.1.100 और इसके बाद एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे पासवर्ड है जो वो मांगने लगा। तो यहाँ पासवर्ड हमने डाला था सिस्को, तो मैं सिस्को डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हम राउटर के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद हम इनेबल कमांड लिखेंगे,
तो यहाँ पे देखिए हमने पासवर्ड एक और डाला था प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, तो यहाँ पे हमने भी सिस्को डाला था, तो हम सिस्को डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो राउटर के अंदर है हम आ चुके हैं। अब हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में भी आ सकते हैं और यहाँ से दूर से ही अपने जो है राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कितना सिंपल है। लेकिन कंपनीज में अगर मैं आपको बताऊं तो एक और मेथड है जिसके थ्रू जो है टेलनेट कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है कंपनी में, क्योंकि इसमें क्या है सिक्योरिटी बहुत कम होती है, तो इसमें सिर्फ पासवर्ड होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज में किस तरीके से टेलनेट को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अब मैं इस दूसरे वाले राउटर पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इस पे अगर मैं दिखाऊंगा तो पासवर्ड ओवरराइट को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो इसलिए मैं दूसरे राउटर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम CLI मोड में गए और इसके बाद हम इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके बाद पहले हम पासवर्ड सेट कर देते हैं इनेबल इनेबल सीक्रेट। हम पासवर्ड डाल देते हैं जैसे कि सिस्को और एंटर कर देते हैं। इसके बाद में लाइन VTY 0 to 5 कुछ भी कर सकते हैं आप, दे सकते हैं 0 से 15 तक कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं ये 5 ही दे देता हूँ। अब इसके बाद में हमने देखी यहाँ पे हमने सेट किया था पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट नहीं करना है इस बार। इस बार हमने लिखना है लॉगिन और इसके बाद टाइप करना लोकल, यानी लॉगिन है जो वो लोकल होना चाहिए, हो जाए तो इसके बाद एंटर कर दीजिए और इसके बाद आप दोबारा से एग्जिट कीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में हम आ गए। पहले हम जो है लाइन VTY के अंदर थे, तो यहाँ देखिए लाइन लिखा हुआ था, लेकिन अब दोबारा से हम इसमें आ चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम यूज़र नेम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ ABC और पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ S, पासवर्ड में यहाँ पर दे देता हूँ XYZ और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दिया है। तो अब जो हमारा टेलनेट है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा सिक्योर हो गया है। इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं। अब हमारा टेलनेट है जो वो कॉन्फिगर हो चुका है, तो दोबारा हम PC पे चलते हैं और यहाँ पर हम इसमें फिर से लिखते हैं टेलनेट, और इसके बाद हम IP देख लेते हैं राउटर की क्या है। तो हम 10.0.0.2 या फिर 20.0.0.1 कुछ भी दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं 10.0.0.2, एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें यूज़र नेम जो है मांगने लगा। अब यूज़र नेम हमने दिया था ABC, तो हम एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद पासवर्ड हमने दिया था XYZ, तो हम ये XYZ कर एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए हम जो है राउटर के अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद इनेबल हम देते हैं, तो अब यहाँ पे हमसे फिर पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप किया था सिस्को, तो मैं यहाँ सिस्को डाल देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आप हम राउटर के अंदर आ चुके हैं और इस तरीके से हम जो है टेलनेट कर सकते हैं। तो आप देखिए टेलनेट में हो क्या है, होता क्या है कि यहाँ पर तो आप जो देख रहे हैं वो क्या है कि हमारे जो डिवाइस है या जो PCs हैं वो डायरेक्टली हमारे राउटर के साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि रिमोटली हम अधिकतम इसका यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, कि हमारा जो राउटर है क्योंकि वो वैन में चलता है, तो हमारा जो राउटर है हम किसी डिफरेंट लोकेशन पर, जैसे कि मान लीजिए ये जो है आप दिल्ली में और ये जो ब्रांच है वो मुंबई में है, तो आप इन दोनों के बीच में भी एक्सेस करा सकते हैं। तो आप देखिए टेलनेट मैंने इस पर किया, तो क्योंकि इस यहाँ रिप चल रहा है तो मैं इस PC से भी इसको जो है टेलनेट को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम डेस्कटॉप पे गए और यहाँ हम जो पहले से ओपन था इसको पहले क्लोज कर देते हैं, ये हम बाहर आ गए। अब इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेलनेट और मैं बीच वाले राउटर को इसको इसका जो है IP एड्रेस यहाँ पे एंटर करता हूँ 10.0.0.2 और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए यूज़र नेम हमसे मांगने लगा, तो यूज़र नेम मैंने डाला था ABC और जो पासवर्ड मैंने टाइप किया था वो XYZ किया था। तो यहाँ यहाँ जो गलत हो गया मेरे से, मैं दोबारा से टाइप करता हूँ। यूज़र नेम हमने डाला था ABC, एंटर, और पासवर्ड डाला था XYZ। तो यहाँ देखिए हम राउटर के जो वो अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनेबल और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला था सिस्को
तो ये देखिए हम जो है राउटर के अंदर आ चुके हैं। अब हम देखिए, मान लीजिए ये डिफरेंट लोकेशन थी, ये वाला जो है दिल्ली में है, ये वाला जो है मुंबई में है, ये वाला जो हमारे ब्रांच है ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है। तो देखा हमने दूसरे पीसी से भी हमने इसको जो एक्सेस कर लिया। अब जो कि आप लैन में देख सकते हैं कि अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये रिमोटली हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से टेलनेट का यूज लिया जाता है, और इस तरीके से अधिकतम जो इसका यूज है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ही कंपनीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो जो उनके हेड ऑफिस पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होते हैं, वो बैठे बैठे ही डिफरेंट लोकेशन के डिवाइसिस को कॉन्फ़िगर और एक्सेस कर लेते हैं। तो ये इसका जो यूज होता है टेलनेट का, इस चीज में यूज होता है। लेकिन अब टेलनेट का बहुत रेयरली यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जगह अब ले चुका है SSH, सिक्योर शेल, इसकी की फुल फॉर्म होती है। टेलनेट और SSH में मेनली यही डिफरेंस होता है, जो टेलनेट है उसमें जो वो डेटा जाता है वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में जाता है, मतलब कि डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। अगर कोई भी अटैकर इस पैकेट को मतलब बीच में जो है अटैक कर दे और इस पैकेट को देख ओपन करे, तो इसके अंदर उसको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में जाते हैं। तो इसलिए इसका सिक्योरिटी के लिए मतलब कम यूज किया जाता है, इसके जगह SSH का यूज किया जाता है। क्योंकि SSH के अंदर क्या है कि जो डेटा जाता है वो इनक्रिप्ट होता है पब्लिक की के द्वारा, और उसको डिक्रिप्ट करना काफी जो है हार्ड हो जाता है, तो काफी ज्यादा सिक्योर रहता है वो, इसलिए अधिकतम जो यूज किया जाता है वो SSH किया जाता है। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि SSH को किस तरीके से जो है कॉन्फिगर किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।